तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो ठीक हो गए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग जो है रियलमी की सी सीरीज स्मार्टफोन में, चाहे वो C1 हो, 2, C3, कोई सा भी स्मार्टफोन हो जिसमें आप लोगों के फ़ोन में स्टोरेज का जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को आ रहा है, उसमें आप लोग जो है डाटा को SD कार्ड में कैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि सी सीरीज़ के स्मार्टफोन में जो पहले आए थे उनमें आप लोगों को बहुत जो है कम स्टोरेज जो है वो देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग जो है अपने डाटा को जो है SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास रियलमी का सी सीरीज़ वाला स्मार्टफोन है तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, तभी आप लोग जो है ट्रिक को जो है वो समझ पाओगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्मित, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ग्रोवर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास सी सीरीज आप लोगों को तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को जाना है अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर फाइल्स बाय गूगल। तो फाइल्स बाय गूगल जो है आप लोगों को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, तो मैं फटाफट से जाके जो है इसे ओपन करता हूँ। तो ये रहा मेरा फ़ोन में फाइल्स बाय गूगल। एक्चुअली ये टैब है, आप लोगों को फ़ोन में यही जो है जो मैं आप लोगों को प्रोसीजर बता रहा हूँ वही करना है, वो आपका सेम ही होगा क्योंकि ये भी रियलमी का ही है। तो इसलिए तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को स्टोरेज दिखा देगा। देखिए इंटरनल स्टोरेज, SD कार्ड की स्टोरेज, और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, ब्राउज का ऑप्शन है, फिर नीचे क्लीन का ऑप्शन है। तो आप लोग क्या करना है, जो भी आप लोगों को SD कार्ड में ट्रांसफ़र करना है उस ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड है, इमेजेस है, वीडियो है, ऑडियो है और डॉक्यूमेंट है। तो अभी जैसे मैं इमेजेस में चलता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है सारी इमेजेज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप लोगों के जो फोल्डर बने हुए हैं उनकी भी जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है फोल्डर्स भी दिख जाएंगे, जितने जिस भी फोल्डर में जो भी चीज़ आप लोगों ने जो है वो डाल रखी है तो वो आप लोगों को दिख जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करना है, जितने भी आप लोगों के पास आप लोगों ने सिलेक्ट करना, और यहाँ पर आप लोगों को एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को उस पर जाना है, और यहाँ पे मिलेगा मूव टू देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों को सिर्फ मूव टू SD कार्ड कर देना है। तो अब ये जो है फोटोज़ जो है मेरी इमेजेस जो है वो SD कार्ड में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ऐसे आप लोग जो है अपनी सारी चीज़ों को जो है अपने SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।